सभ्य समाज में नशे का कोई स्थान नहीं। अग्रसेन भवन में सर्व समाज के साथ एसपी की बैठक, नशा मुक्ति का लिया गया संकल्प। कटघोरा अग्रसेन भवन में सर्व समाज के लोग कटघोरा पुलिस द्वारा आयोजित निजात अभियान के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें कटघोरा महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा कटघोरा नगर के सर्व समाज के लोग और आसपास के इलाकों से लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। यहां पर बताया गया कि निजात अभियान न केवल कोरबा जिले बल्कि पूरे प्रदेश में पुलिस चला रही है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले अपराधों के कारण फैलाव, आपराधिक तत्वों की संलिप्तता और इस दिशा में होने वाले समाधान को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसके काफी अच्छे परिणाम क्षेत्र में देखने को मिले हैं। मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के नशों के मामले में सम्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है और मादक पदार्थों की धरपकड़ के साथ आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने निजात अभियान को सफल बनाने सर्व समाज के लोगों से अपील की। न केवल अपने शरीर के नुकसान करते हैं और अपने पूरे परिवार को बर्बाद करते हैं। घर वालों के साथ मारपीट, मोहल्ले वालों के साथ गाली गलौज और जहां भी निकले ये बता देंगे अगर नशे का शराब का आदी है कि मैं शराबी जो ऐसे नशा जिसमें एक बार आपने घुसते हैं उससे तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो है ड्रग्स और नारकोटिक्स, गांजा, हेरोइन, एलएसडी और तमाम तरह के सिंथेटिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें एक बार आपके चला जाता है तो कई बार बाकी चीजों में कहते हैं निकल भी जाए लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आंकड़ों की बात हूँ, कई सारे मेरे पहले वक्ता ने बताया, ईश्वर ने भी बताया कि किस तरह से क्राइम होता है। आंकड़ों की बात मैं बताऊं, एनसीआरटी जो देश भर में अपराध संबंधित आंकड़े रखता है सारे पूरे देश की हर साल वो आंकड़े जो जारी करता है, मैं आपको बताऊं कि 2021 के आंकड़े में उसने बताया है कि पूरे जो अपराध होते हैं उसके 67 जो प्रतिशत अपराध के कारणों में एक नहीं कारण अगर कुछ और कारण उसके साथ नशा हो तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्यों इसके बारे में कंसर्न है। हम क्यों और जवाब रतन भारती है जो लोग जो अभियान को चला रहे उसमें अपनी सहभागिता समझते हैं या सहभागिता निभाने की आने वाले समय में सहभागिता लोग निभाने वाले। ये अभियान जो है निजात, ये हम लोगों ने ड्रग्स नारकोटिक्स अवैध शराब सहित सभी तरह के अवैध नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया है और ये अभियान जो है आप सभी समझ रहे होंगे कोई ऐसा अभियान नहीं है जिसके बारे में हम पहले बात नहीं करते रहे। नशे के खिलाफ हम सभी पीड़ित हर व्यक्ति अपने आसपास समाज में बहुत लोग अपने परिवार में ऐसे लोगों को देखते होंगे जो एक बार नशे के हालत नशे की जो लत लग जाती है तो किस दुर्गति उनकी दुर्गति हो जाती है, परिवार की दुर्गति हो जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये नशा जो है नाश की जड़ है और ये इस तरह से पकड़ने की जरूरत नहीं है इससे क्या क्या नुकसान होता हर कोई देखता है और जिस तरह का जो खतरनाक नशा हो और कुछ बहुत सामान्य नशे जो पारंपरिक नशे होते हैं जिसको हम लोग बहुत ही सामान्यतया लेते हैं या जिसको हम लोग मान चुके हैं कि तो होता है जैसे पीढ़ी गुटखा पान सिगरेट उसके लिए। किले में हम लोग निजात अभियान जो चला रहे हैं उसमें हम लोग ड्रग्स नारकोटिक्स और अवैध शराब विशेषकर ये पूरा अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान है जिसमें बड़ी संख्या में जो अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आप पिछले 4 महीने के आंकड़े ही देखें तो पिछले साल के आंकड़ों पूरे साल के आंकड़ों के 4 गुना से अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा की जाएगी ताकि लोगों में जो एक मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है और जहाँ भी सूचना वो लोग पुलिस को देंगे तो नशे के कारोबारियों को जरूर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक जन जागरूकता का अभियान पूरे जिले में किया गया, कटघोरा में भी पिछले कई दिनों से कई सारे आयोजन किए गए, कल ही एक निजात दौड़ भी रखी गई थी, आज एक
अग्रसेन भवन में जो आयोजन रखा गया था, जिसमें समाज के सभी प्रमुख लोग, जनप्रतिनिधिगण और सामान्य जो अलग अलग जगहों के आए हुए लोग और शहर के नागरिक इसमें शामिल हुए, ये सबकी एक सहभागिता दिखाती है कि जो नशे के खिलाफ है उसमें अवेयरनेस का जो जो प्रोग्राम है उसमें वो लोग सभी लोग शामिल होना चाहते हैं, और पुलिस भी चाहती है कि इसके बारे में सबको अवेयर किया जाए ताकि नशे से लोग दूर रहें। तीसरा, इसमें काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नशे के एकदम आदी हैं उनको हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और उनको एडमिट भी कराएंगे। पूरे जिले में निजात के तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, व्यापक जन जागरण प्रोग्राम व काउंसलिंग लगातार जारी है, और ये इसलिए भी अभियान है क्योंकि आप देखते हैं कि अपराधों के मूल में लगभग 60-70% जो अपराधों के मूल में कहीं ना कहीं नशा रहता है, चाहे आप किसी तरह की अपराध की बात करें, सामान्य अपराध या गंभीर अपराध। रोड एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो 40% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें नशा कारण होता है, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का मामला हो, चाहे लोग ओवर स्पीडिंग करते हो नशे के कारण। तो इन सब से हम लोग का कोशिश ये है कि इस अभियान के तहत कार्रवाइयाँ करके इन अपराधों पर भी रोक लगाई जाए, और चूंकि ये सामाजिक बुराई, इसलिए समाज के सभी वर्गों को भी हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। जिले में हम लोग चाह रहे हैं कि सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि, प्रोफेशनल बॉडीज के लोग, सभी इससे जुड़े। और आज कुछ बात इसके बारे में लोगों ने कहा कि महिला समिति, मोहल्ला समिति हम लोग को बनानी चाहिए, महिलाओं की सहभागिता इसमें बढ़ानी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग विचार करके उन लोगों को, सभी लोग को हम लोग इसमें जोड़ेंगे ताकि एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में, चूंकि समस्या सबकी है तो सबकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित। सर, जिले भर में अभी तक एमडीए तो एक प्रकार से कितनी कार्रवाई की? अब तक हम लोग जिलों ने काफी कार्रवाई की, अगर इस साल ही बात